Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकिंग रसोई। आज हम इंस्टेंट बैंगन का भरता बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है। मोस्टली बैचलर्स के हैं, उसके मैंने बैंगन ले रखे हैं, चार पीस बैंगन ले रखे हैं, उनको हमें छील लेना है। पूरी इनकी स्किन हटा देनी है, इस तरीके से स्किन हटा दीजिएगा पूरी। उसमें फिर डाउट भी नहीं रहता है जब इसको काट के बनाते हैं, इसमें कोई कीड़ा मकौड़ा तो अंदर नहीं रह गए हैं। तो इससे सबसे बेस्ट वे है इसको करने के लिए, इसको पूरा पील कर लीजिए। मैं चारों बैंगन को पील कर लेता हूँ, तो उसके आगे की रेसिपी आपको बताता हूं मैं। ये देखिए, हमने इस तरह से बैंगन को सबको काट लिया है बड़े बड़े पीसेस में। अब इनको एक स्टीम देंगे कुकर में, उसके साथ में एक दो आइटम्स और मिलाएंगे। तो स्टीम रेस्टो सीधे हम कुकर में डालते हैं वो आइटम्स को। गैस हमने अपनी ऑन कर ली है, कुकर ऑन है। अब इसमें हम सारे बैंगन के जो पीसेस हमने काटे थे उनको डाल देते हैं। इनको पानी में जरूर रखिएगा, जैसे काले नहीं हो जाएंगे। सारे पीसेस हमने इसमें डाल दिए, साथ में इसमें हम लहसुन की कलियां डालेंगे, 8 से 9 कलियां। और इसी टाइम इसमें हम थोड़ी सी ग्रीन चिली, ये मैंने 4 छोटी ग्रीन चिली इसको काटा था उसको वही डाल दिया इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा 1/2 कप पानी डालेंगे इसमें, और एक स्टीम लगा देंगे। उसमें ढक्कन लगा देते, एक स्टीम दे देते हैं। एक स्टीम याद का जो प्रोसेस है, फिर वो देखते हैं क्या करना है हमें। इसको करके बंद, गैस तेज करके जरा सा थोड़ा सा स्टीम आने दीजिए, और उसको साइड में रख के तड़के की तैयारी करेंगे। हमने कढ़ाई गर्म कर दी है, इसमें सरसों के तेल में बनाएंगे। सरसों के तेल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमने एक बड़ी कलची सरसों का तेल लिया है, इसमें हम 1.5 कलछी डालेंगे सरसों का तेल। इसे गर्म होने दीजिए। तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। सरसों के तेल में वैसे थोड़ा सा नमक डाल के इसको फाड़ा जाता है, दो ही तरीके हैं, या तो सरसों के तेल को नमक से फाड़ लीजिए या पानी से फाड़ लीजिए। मैं ज्यादातर पानी से ही यूज करता हूं, पर आज मैं नमक से कर रहा हूं उसको। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, इसका कलर चेंज हो जाएगा। वहां तेल काफी गर्म है, अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद उसमें 3 मीडियम साइज की जो हमने प्याज काट रखी है हमारी, उनको डाल देंगे, और अच्छे से इनको भुनेंगे, लाइट ब्राउनिश कलर कर देंगे। ऑनियंस बिल्कुल हो चुकी हैं। अब इसी पॉइंट पर उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे जो रेडीमेड बाजार में उपलब्ध है, वो भी करीब 2 चम्मच डाल दिया है इसमें। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे इसकी स्मेल चली जाए, और साथ में इसमें ट्विस्ट है, मैं इसमें कैप्सिकम डाल रहा हूं एक छोटी कटी हुई, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। एक अलग सा ही टेस्ट आएगा आपको जब आप उसको टेस्ट करेंगे। इसको भी 2 से 3 मिनट लगेंगे भूनने में। हमारा प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट और कैप्सिकम काफी अच्छे से भून चुकी हैं, और इस पॉइंट पर हम इसमें मसाला मिलाएंगे, 1 चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच हमने इसमें हल्दी डाली। अगर आप हल्दी पसंद नहीं करते हो तो बिल्कुल मत डालिएगा, और पिंच ऑफ रेड चिली, ऑलरेडी चिलीज हम यूज कर चुके हैं उसमें ग्रीन चिली से। साथ में उसमें देगी मिर्च डालेंगे 1 पूरी चम्मच कलर के लिए। इसको अच्छे से मैश करिए, मिक्स कर दिए, गैस स्लो करके उसके ऊपर हम इसमें टमाटोज डालेंगे, 3 मीडियम साइज के टमाटोज हैं, इनको तब तक पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दें।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट इसमें लगेंगे इसको भुनने में। हमारा टमाटर देखिए कितने बढ़िया हो चुका है, इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। मैंने 1/2 चम्मच सॉल्ट लिया, ऑलरेडी सॉल्ट इसमें डाला हुआ था जो हमने तेल में मिलाया था। जब इसमें बैगन मिलाएंगे उसके बाद टेस्ट करके देखेंगे, इसमें सॉल्ट की और जरूरत तो नहीं है। देखिए कितने अच्छे से भुन चुकी है, इसमें 1 मिनट और लगेगा नमक के साथ मिक्स करने में। गैस थोड़ी सी मीडियम कर लीजिए और इस पॉइंट में इसमें जो तो बैगन बॉईल किए थे, देखिए कितने बढ़िया बैगन है हमारे, उसको मिक्स कर देंगे इसमें। ऑलमोस्ट अपना भी मैश हो चुके हैं, इसको थोड़ा बहुत रह गया होगा तो उसको हम खुद मैश कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स करें और 5 मिनट ही और अच्छे से इसको फ्राई करें। जितनी देर आप इसको पकाएंगे उतना ही इसमें टेस्ट बढ़ता जाएगा। गैस लो कर दीजिए और 5 मिनट इसको पकने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स कैसा कलर आ गया है मेरे बैंगन के भरते का। आपको लिक्विड चाहिए तो इसी टाइम पे इसको बंद कर दें, और थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए तो इसको थोड़ा सा और 10 से 15 मिनट और इसको लगेंगे भूनने में। भूनने के बाद इसको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे भुने हुए बैंगन का भरते का आता है, तो इसे मैं अभी 10 मिनट और भूनूंगा। फ्रेंड्स देखिए 10 मिनट बाद में बिल्कुल कितना बढ़िया कलर आ गया है, अभी बिल्कुल रेडी है सब करने के लिए। और इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया हमारा, हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे। खूब सारा हरा धनिया डाल दीजिए, उसे अच्छे से मिक्स कर लें। बैगन का भरता हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको सर्विंग बाउल में रख के सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। Thank you.